आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद, मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के गांव के बच्चे अब बनेंगे नासा के वैज्ञानिक। इसरो चलाएगा ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों को देगा विज्ञान का प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के बच्चे अब अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। डुमरियागंज तहसील का पूर्व माध्यमिक विद्यालय हसुड़ी और सानपुर केंद्र सरकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में चयनित हुआ है। यह देश का पहला सरकारी विद्यालय होगा जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक नियमित 2 घंटे की ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाएं चलाएंगे। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। विद्यालय के 7 बच्चों को व्योमिका स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्पेस एजुकेशन ट्रिप के लिए इसरो अहमदाबाद ले जा रहा है, जहां बच्चे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पर अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में जानकारी हासिल कर सकेंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय हसुड़ी और सानपुर के सभी कमरे पूरी तरह से वातानुकूलित है। विद्यालय स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी, वाईफाई जैसी तमाम सुविधाओं से लैस है। केरल समेत पूरे देश से हो रही थी लव जिहाद के लिए फंडिंग, सुरक्षा एजेंसियों को मिले महत्वपूर्ण इनपुट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पीएफआई प्रभारी परवेज और उसके साथ ही मुफ्ती शहजाद के बारे में देश की सुरक्षा एजेंसियों को कई इनपुट मिले हैं। एजेंसियों ने दोनों के बैंक खातों की भी जांच की है। इस जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इनके खातों में खाड़ी देशों से जबरदस्त फंडिंग हो रही थी। इस फंडिंग का इस्तेमाल वो लव जिहाद के लिए कर रहे थे। इस पैसे से लव जिहाद और धर्मांतरण का पूरा खेल चल रहा था। फंडिंग के माध्यम से गैर मुस्लिम हिंदू लड़कियों और युवतियों समेत अन्य पंथों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। साथ ही इस फंडिंग से गरीबों का पुनर्वास, शिक्षा, मेडिकल, आर्थिक और कानूनी मदद, शादी समेत अन्य मदद दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए, इलाज के लिए भी मिलेगी विशेष सुविधा। यूपी में खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर दिन नए प्रयास किए जा रहे हैं। पदक विजेता खिलाड़ी आगे प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत सके, इसके लिए उन्हें खेल सामग्री खरीदने और अन्य खर्चों के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान हर साल दिया जाएगा। वहीं खेलते समय चोट लगने पर खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा भी दी जाएगी। ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग कैंप के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों, ट्रांसजेंडर और महिला खिलाड़ियों को अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। खिलाड़ियों को आधुनिक खेल उपकरण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएफआई नेता अहमद बेग ने पुलिस पूछताछ में किया खुलासा, मुस्लिम लड़कों को हाई प्रोफाइल लड़कियों को फंसाने के लिए दी जाती थी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के 15,000 खातों में खाड़ी देशों से आए पैसे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एजुकेशन स्कूलों में पढ़ने वाली हाई प्रोफाइल घरों की लड़कियों को टारगेट पर लेकर काम कर रहा था। लड़कियों को घर से भगाने, इस्लाम अपनाने जैसे मंसूबों के साथ मुस्लिम लड़कों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा था। इन लड़कों को ये भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि पुलिस से पकड़े जाने पर अपने आप को कैसे बचाना है। पुलिस पूछताछ में ये खुलासा पीएफआई नेता प्रोफेसर अहमद बेग ने किया है। यूपी के 30 शहरों के 15,000 खातों में इसके लिए पैसे आए हैं। पुलिस को ये सबूत मिल चुके हैं। इस खुलासे के बाद एसटीएफ और आईबी ने एक टीचर सहित 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आंकड़ों के अनुसार यूपी में पिछले 2 साल में 200 से अधिक लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दशहरे से पहले दुबई में आज से खुलेगा हिंदू मंदिर, भव्यता ऐसी कि नहीं हटा पाएंगे आंखें। अग्निवीर भर्ती हेराफेरी में पकड़े गए 503 अभ्यर्थी, पोल खुली तो सेना अफसरों ने लिया एक्शन। मदरसों में पहले राष्ट्रगान, फिर 1 घंटा अधिक होगी पढ़ाई, मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में होगा नया नियम लागू। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी फंडिंग की पड़ताल में बड़ा खुलासा, जिनका विदेश से कोई संबंध नहीं, ऐसे 13,000 खातों में विदेशों से जमा हुई रकम, 500 से अधिक खाते महिलाओं के और 2,000 खाते बुजुर्गों के नाम। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में अगवा बच्चा बरामद, मांगी थी 30 लाख की फिरौती।
मऊ जिले में तैनात बिजली विभाग का अफसर मुख्तार अंसारी का समर्थक निलंबित, पीएम और सीएम के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।